तो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस जगह का हम आपको विजिट कराएंगे, एक ट्रांजिट विजिट होगा। वह है, आपने देखा होगा सीकर के अंदर एक सालासर बस स्टैंड है जो सालासर की तरफ जाता है, तो वहाँ से हम जाएंगे आज जो इस्लामिया स्कूल वाला एरिया है वहाँ से हम देखते हैं कि भाई हमें क्या मिलता है रैंडम विजिट में, किस प्रकार से हमारा सीकर जो है प्यारा सा न्यारा सा विकसित हो चुका है, और जिन रास्तों के बारे में काफ़ी लोग अभी अनभिज्ञ हैं उन रास्तों के तक हम आपको लेके जाएंगे। तो बने रहिए DPSP के साथ में, क्या मिलता आगे देखते हैं। एक लैंडमार्क है, जब चांदपोल से हम निकलते हैं सालासर स्टैंड की तरफ, तो यह है मैना सदन। तो इस मैना सदन में क्या बहुत सारी शादियाँ वगैरह होती। पीछे आप रोडवेज बस देख सकते हो, ये सारी बसें सालासर स्टैंड होते हुए वाया सालासर और ये जो आपके लाडमू वगैरह इसी दिशा से जाती है। और यह आ गया, देखिए सालासर स्टैंड में आपको दिखाता हूँ, ऊँट को लेके आ रहे हैं भाई साहब। सुबह सुबह कुछ भीड़ देखिए आप, चाय पीते हुए यात्रियों की, आने जाने वाले लोगों की, और इसमें कुछ युवा बस का इंतज़ार करते हुए। वाह यार, भाइयों कहाँ जा रहे हो? सीकर के ही हो गया? अरे वेरी गुड यार, क्या काम करते हो, पढ़ते हो? ना ना, सब कैटरिंग में है। कैटरिंग वगैरह में करते हो क्या? यार कैटरिंग का काम तो तुम्हारा बड़ा खतरनाक रहता है। रहता है अच्छा, मान लो जैसे क्या कहते हैं तुम्हारा लीडर कौन होता है, जैसे कोई अरेना लीडर तो पहले आके बैठा हुआ है। अच्छा, वो पहले बैठे, तुम सारे कार्य करता हो क्या? अरे वेरी गुड यार, कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड से। वो तेरी बहुत दूर जाए यार, झारखंड। झारखंड में कैटरिंग का काम इतना नहीं है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, झारखंड से। तो झारखंड कितने दिन में जाते हो बेटा? 24 घंटे का सफर है। नहीं, कितने दिनों में चले जाते हो? ये सवा के काम करते हैं, मतलब महीना दो महीने में चले जाते हैं। अच्छा, दो एक महीने काम बढ़िया मिल जाता है? दो एक महीने में एक जने के कितने बच जाते हैं पैसे? एक दिन का बढ़ जाता है। एक जने का 700 रुपया पड़ता है। 700 रुपया पड़ता है। तो यार ये बताओ मेरे को, जैसे अभी झारखंड से, MP से, बिहार से इतने लोग जैसे आते हैं, तो वहाँ पे क्या सरकारें ये देखती नहीं है क्या भाई काम कैसे? सरकार देखते हैं लेकिन काम सबके अलग अलग है ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी तुम लोगों ने ज्यादा? नहीं ज्यादा पढ़ाई नहीं, तो इतना दूर आना पड़ रहा है तो झारखंड में काम। तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी क्या वहाँ उस टाइम में? नहीं। अच्छा, अब है पढ़ाई? चलो आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना। हाँ वो तो पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चलो बाय बेटा। सर आपका बहुत ही प्यारा बनाया गया महर्षि दादी सर्किल सालासर बस स्टैंड पे, अगर किसी को नहीं पता हो दादी सर्किल कहाँ है तो ये सालासर स्टैंड पे बनाया। ये देखिए सर, कुछ लकड़ियाँ भी कट के आ गई हैं शहर के अंदर, तो सर्दियों के मौसम में क्या है कि लोग बाग जैसे जलाते हैं ना, उस हिसाब से। तो अब हम चल रहे हैं बकरा मंडी की तरफ, जो भी रास्ते हमें दिखेंगे और जो विकास हम आपको बताएंगे, क्योंकि कल परसों में एक वीडियो देख रहा था उसके अंदर इटली के अंदर जो है ना दिखाया जा रहा था, बड़ा ही सुंदर है। और बट आपको मैं बता दूँ, ये जो सड़क आपको दिख रही है ना, लगभग आई थिंक ये होगी 20 फीट चौड़ी होगी, तो वहाँ पे तो मतलब 8-9 इतने ही फीट चौड़ी होती है बसेस वो सड़कें। ये देखिए CLC इंटरनेशनल स्कूल की बस, ये है डेवलपमेंट। सफाई कर्मी लग चुके हैं साफ सफाई करने के लिए, तो चलते रहिए, देखते रहिए, बने रहिए, क्या मिलता आगे। इसको कहते हैं बजाज रोड, तो बजाज रोड जाती है आपको, आगे जाती है स्टेशन पर मिल जाती है भाई साहब। केक देखिए, पेट्रोल वगैरह शायद ख़त्म हो गया है। तो ये है सालासर स्टैंड, अब हम आगे चलते हैं सुबह का जीवन दिखाने के लिए, देखते हैं आप क्या मिलता आगे। ठंड का जो है एहसास शुरू हो चुका है। डेवलपमेंट, ये एक सड़क है जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है हमारा सीकर का, उस दिशा में है ये, उस जगह पे है, मतलब ये जैसे पैरेलल चलती बजाज रोड के। यहाँ पे क्या है कि एक जैन मंदिर भी है, और एक मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक मंडी लगती है सुबह सुबह। ये पुराने मकान है, पुरानी जो मतलब जो डाउनटाउन एरिया भी कह सकते हैं इसको। ये है सब्जी मंडी, ये जो सब्जी मंडी है देखिए, आपको ठेले आके लगने लग गए हैं यहाँ पे। अपना जो मकसद है वह आज आपको दिखाने का है, जो बकरा मंडी वाला एरिया है वहाँ से हम लोग अम्बेडकर नगर वगैरह में देखेंगे किस प्रकार से। ये सामने दिगंबर जैन पार्श्वनाथ भवन, ये भी जैन समाज का एक भवन है, और इसके अंदर जो बहुत आयोजन होते हैं। ये हमारी सीकर का ये भी एक लैंडमार्क है, चलते रहिए, बने रहिए। ये देखिए पुराने मकान, पुरानी हवेलियाँ, चलते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। ये देखिए आप निर्माण कार्य,
इस प्रकार से हुआ करते थे। ये कुआ यहाँ भी है और यह है शायद मंदिर, हो सकता है कुछ महिलाएं पूजा अर्चना के लिए आते हुए, जैन मंदिरों भी हो सकता है। छाबड़ा भवन ये देखिए सर आप, पुराने पुराने भवन और अतीत की गाथा बयान करते हुए ये देखिए शानदार। ये आपको दिखाते हैं ना जैसे कहीं ठंड का मौसम शुरू रास्ता बताया बकरा मंडी आपको किधर से जाना है। ये देखिए, अब देखिए आप डेवलपमेंट देखिए आप, ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर्स लगे हुए हैं और यह है वो कुआं बता रहे थे अयूब जी इस अयूब। और यहाँ पे देखिए इस रास्ते से वो बता रहे हैं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा आपको और यहाँ से आपको सीधा जाना पड़ेगा तब जाके आपके बकरा मंडी वाला एरिया आएगा। ये चलते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए कुछ अनन्य श्वान सदर मस्जिद सीकर। ये है सर सुबह की दुनिया हमारी सीकर की, बड़े बड़े पुराने भवन पुरातन। ये देखिए आप जर्जर अवस्था को पाए हुए कुछ, चलते रहिए देखते रहिए बने रहिए डीपीएसपी के साथ में, चलते रहिए। ये है सुबह की दुनिया, कुछ युवा देखिए पर्यावरण प्रेमी भाई जी कतरी चलाओ साइकिल रोज के 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चलाते हैं। देखिए सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, इनको काटना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो सड़कें अमूमन सब जो है बन चुकी हैं और एक शांत सा अनुभव होता है सुबह सुबह। तो ये हमारे सीकर शेखावाटी के जो एरियाज हैं, एक बच्चा ये भी साइकिल प्रेमी और ये देखिए अब क्या जाली बनाई गई है, बहुत ही पुराना है ऐसा लग रहा है, बहुत ही पुराना निर्माण कार्य है। कुछ बकरे इंतजार करते हुए अपने टर्न का। चलते रहिए बने रहिए देखते रहिए कैसी हमारी सुबह की दुनिया। और ये सरस्वती देवी किराना स्टोर बहुत ही प्यारा, एसटीडीपीसीओ का यार अभी भी लग रखा है, तो एसटीडीपीसीओ तो बंद हो गया आजकल है, चल रहे क्या अभी? ये क्या लूम की दुकान है आपकी, क्या क्या भाव चल रहा है यार आजकल इसका? 22 रुपये किलो। तो अच्छा निकल जाती है ये चीज़ें, बिक जाती है आराम से? अच्छा 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 बढ़िया यार, लाते कहाँ से हो? यहाँ तो आजकल होती नहीं है ज़्यादातर, काटना पीटना बंद कर दिया लोगों ने है मंडी लगती इधर इसकी भी लूंग की। चलो वेरी गुड, शुभ नाम, नाम क्या आपका? मोहम्मद वासिद। मोहम्मद वासिद, चलो बढ़िया यार, आपकी दुकान है ये? चलिए भाई ये है मोहम्मद वासिद। अब ये देखिए बो मैजी महाराज एंड कंपनी सरस्वती देवी किराना स्टोर, ये है सर एरिया, अपन बिल्कुल डीप में आ चुके हैं। और ये इधर बकरा मंडी इन्होंने बताई है। चलो कितने साल से आपकी शॉप यहाँ पे? दादाजी और के टाइम की। चलो बढ़िया, और बिजनेस वगैरह बढ़िया चल रहा है आपका? चलो कौन सी क्लास पढ़े हुए आप? मैं बीकॉम पढ़ रहा हूँ। बीकॉम कहाँ से? चलो बढ़िया यार, चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई मनीष बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, तारी तो लेनी है यार। चलो बढ़िया बढ़िया, नाम का ही करो? समीर। समीर तो यार तो सुबह सुबह कतरी बजे निकल जाओ काम कर पाते ही? निकल जाओ 7 बजे। 7 बजे ही निकल जाओगे? हमेशा से वही रहोगे काम से? हमेशा यही। तू तो आज जेब में डाल में ले, इन्हें चला नहीं पड़े सर्दी में? दस्ताना ला के दे यार इन्हें, मार लीजिए इन्हें सर्दी लागे, मैं केरला से आया हूं, मुझे गर्मी लागे। केरला में तो गर्मी है यार, केरला में बहुत गर्मी है। चल भाई ठीक है दादा, करो यार काम दोबारा। भाई साहब बकरा मंडी इसको कहते हैं, यहाँ पे भी क्या कीचड़ काचड़ खूब भरता है ऐसा बताते हैं यहाँ पे, लेकिन बट देखिए ऐसा कुछ है नहीं यार, लोग बोलते तो खूब है बट ऐसा नहीं लगता, आपको जाके देखना चाहिए ये चीजें। ये है इसको कहते हैं यार, ये देखिए कुछ युवा यहाँ बैठे हुए हैं। ये है भाई साहब, इनसे पूछते कीचड़ काचड़ तो नहीं पड़ता आजकल, बहुत ही प्यारा यार। ये देखिए सफाई अभियान चल रहा भाई, वेरी गुड। देखिए बकरा मंडी के अंदर और ये सफाई अभियान चल रहा है,
और देखिए कुछ सज्जन लोग अभी हमें मिले हैं, बुजुर्ग लोग। और ये ताप वाप रहे भाई, ठंड अभी चालू होगी क्या? अभी इसमें ठंड एकदम ठंड एकदम क्लियर। अच्छा चलो, मैंने एक चीज मैंने यहाँ बताओ कि आपने साफ सफाई वालों काम आपा खुद ही कराओ के बकरा मंडी की तरफ से होता है? यहाँ पे पानी वानी नहीं बढ़ता है ना? बिल्कुल, बरसात के टाइम में थोड़ा बहुत होता है, आजू बाजू में होता है पानी, थोड़ा बहुत बढ़ता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता है ना? चलिए बढ़िया। तो ये खाली कैसे अभी अब लगेगा क्या मार्केट? 12 बजे बाद लगेगा। 12 बजे बाद तो गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी रहती हैं बहुत सारी। वो तो अभी जो माल लेने के लिए लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ तो रहती है। अच्छा अच्छा, चलो चलो। अभी मेरे को लग रहा है कि आपकी भी राजनीतिक चर्चा चल रही है अभी। चर्चा चल रही है। देखिए सर, इन्होंने कहा है कि ईश्वर अल्लाह की इबादत करके आए और बहुत बढ़िया चल रहा है, स्वास्थ्य सबका बढ़िया रहना चाहिए, आपका स्वास्थ्य, सब लोग खुश रहने चाहिए, सब बढ़िया है ना, तभी अपना मतलब है इस दुनिया में आने का। इंसान के मोहब्बत ही सबसे बड़ी होती है। ये देखिए, ये मैसेज है भाई साहब का, ये सबसे बुजुर्ग लग रहे, सीनियर आदमी लग रहे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद याकूब है। हाजी मोहम्मद याकूब साहब, कितनी बार जाए आप हज पे? मैं तो हज पर एक बार गया हूँ, बस एक ही बार गया। कई साल हो गया? 8-7 साल। ये सफी साहब हमारे सबसे बड़े व्यापारी। अच्छा, बकरा मंडी के व्यापारी हैं? अच्छा, इनकी भी इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या है? तो ये हमारे मंडी के सबसे इंट्री में क्या अपनी इंट्री ये सही ले रहे, इंट्री आप सही दे रहे? सही है, तो साफ सफाई कोई नहीं करा रहा, नहीं करावा, नहीं तो करानी भी चाहिए। मैंने देखो सर, ऐसा है, मैं मेरे विचार बताऊँ आपको? बताइए। अपन अपने घर में करते हैं सफाई, तो 10 जने होते हैं ना घर में, तो सारे लोग थोड़ी इंटरेस्टेड रहते हैं सफाई करने में, एक आधा ही तो करता है, तो किसी न किसी को करना ही पड़ता है। सरकार भी अपनी है, सरकार अपनी तो सरकार तो रोड पे सफाई कराती है, ये मंडी लेवल का खर्चा मंडी से उल्टा है। अच्छी बात है ना, 10 कर्मचारी हम लगा रखे है ना बकरा मंडी में, तो बहुत अच्छी चीज है ये। अपन किसी पे अगर डिपेंडेंट रहते है ना, वो जीवन में अच्छी चीज नहीं। हिंदुस्तान की किसी भी मंडी के अंदर चला जाना, ऐसी सफाई कहीं भी नहीं मिलेगी। चलो चलो, बढ़िया है। देखिए साहब, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, ये है सर, हमें भी यही चाहिए जीवन में, और जगह हमारा देश सभी जगह साफ सफाई, स्वच्छता के नाम पे। ये देखिए सब, ये निजी कार्यकर्ता है जो कार्य कर रहे हैं, और मंडी के खर्चे पे इनका जो है सब स्वच्छता अभियान चालू रहता है हमेशा। मदरसा तालिमुल कुरान में 2200 बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे यहाँ बकरा। अच्छा अच्छा, तो उसका कोई फंडिंग वगैरह क्या? नहीं, हम ही के चलाते हैं। अच्छा, आप खुद ही चलाते हो? 2-3 रुपए लेते हैं हमें बकरे के ऊपर, वो लेकर उन बच्चों को वो एजुकेशन में भी साथ 47 यानी मास्टर लगे हुए हैं, मास्टर नहीं मास्टर, ओके, गैर मुस्लिम मुस्लिम दोनों है। ये देखिए सर, इन्होंने हमारा एक नहीं है, गैर मुस्लिम भी हम यहाँ रख रखी है अच्छी, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी सब पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो ये है सर, 2500 बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो आप? हाँ, ये है सर। देखिए, और कुछ भी पैसा भी नहीं लेते, उनसे भी पैसा नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हो, लेकिन एक चीज जो मतलब इसके लिए आप मेरे जो मन में जो बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन वो काम कर रहे हैं ना, अपनी जेब से थोड़ी लग रहा है वो, वो तो बकरा मंडी अपनी जेब से लग रहा है क्या? नहीं, अपनी जेब में पड़ा हुआ थोड़ी से लग रहा है, अपना जेब अच्छा काम करते हैं ना, अपना जेब ऐसा नहीं, हमारा आपा चौको काम कराने तो फंड भरेड़ो रहे हमें, कौन का फंड है हमारा? 27 आदमी हम चलाते हैं, देख रेख रखते हैं, आपा चौको काम कराने जब वो फंड भरेड़ो रहे मैया के, बात तो अपनी जेब से बोल लग रहे हो, पूरा क्या करे। तो सर ये देखिए, ये कुछ बुजुर्ग है बकरा मंडी में, इन्होंने बताया, देखिए एक तो सफाई अभियान और कुछ जो इन्होंने शिक्षा का भी ले भी चला रखा है, जो यहाँ पे 2-2.5 हज़ार बच्चों को मदरसा तालीमुल कुरान में ये लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, और कोई अच्छी चीज आप बताना? बार भी तक है ये मदरसा तालीमुल क्या क्या है उसमें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो क्या क्या है आपके उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है सारे उसमें? देखो, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, अच्छा सामाजिक ज्ञान भी पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, अरबी भी पढ़ाते हैं, सबकी पढ़ाई है। तो बच्चों को कोई आपके यहाँ पे कोई ऐसे जो बच्चे बहुत आगे जग पढ़ के आगे तक गए? कई आगे तक डॉक्टर बन गए, अच्छा स्पेशली डॉक्टर नहीं, लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बन गई, ओके ओके, डॉक्टर लड़के डॉक्टर बन गए, ओके। और अभी हमारा नंबर बच्चों का 85-87 था, और इसमें भी मेडिकल में जो सिलेक्शन हुए, सिलेक्शन सर ये अभी नीट का जो रिजल्ट आया उसमें बता रहे भाई साहब की 85-87 बच्चों का इसमें यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इसमें। वो गलत बताया,
नहीं आप बहरो ना कि 85-87% सगड़ा परसेंटेज मिल रहा बच्चे का, किसी के 75 आए, किसी के 80 अच्छा टोटल इसका जो 87 है, किसी के 90 है भाई साहब, इनकी जो एजुकेशन की ये भी एक पेट में नहीं करेगा क्यों है तो बेचारा ये गोबरा था अपना कुछ नहीं ले रहा है जहाँ पेट भराई होती ना जब कोई भी हो ना चलो अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इसी प्रकार से आप लोग काम करते रहो और सभी लोग स्वस्थ रहे। चाय पी लो, चाय पी लो। नहीं सर आपका शुभ नाम मैंने पूछा नहीं। डॉक्टर प्रीतम सिंह। डॉक्टर प्रीतम सिंह। तो ये है भाई साहब हमारी प्यारी न्यारी शेखावाटी, और ये शेखावाटी की बगरा बंडली और कुछ बुजुर्ग यहाँ पे है और युवा भी है, तो इनसे चर्चा करके और आपके इनके चर्चा में आपके सामने पहुँचाई। कैसा लगा भाई ये हमारा जो आज का अनुभव है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए साहब इन्होंने जैसे साइकिल के बारे में चर्चा की है, तो देखिए बुजुर्ग युवाओं ने साइकिल के बारे में चर्चा की है, तो इनके विचार देखे जाने हमने। देखे साइकिल, अब भाई साहब कह रहे हैं कि साइकिल आप इतनी चलाते हो, देखो साइकिल आप चलाना चाहते हो ना तो आपका, हाँ मैंने भी अभी चालू की है, एक साल हुआ है चलाते हुए, बहुत अच्छा। 30-40 किलोमीटर पहले मैं क्या 10 किलोमीटर दौड़ता था रोज, वो फिर पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हल्की सी जी, जी। तो फिर वो चलती नहीं है आजकल, तो इसको चलाने से अपने बहुत फायदे, छोटे मोटे एरिया होते हैं ना आसपास के, उसको इसी पे कवर करना चाहिए है ना, इसमें थोड़ा आपका भी पैसा बचता है और बच्चों को भी थोड़ी शिक्षा मिलती है। मैं आजकल नहीं थोड़ा सा खड़ा होते ही जो है ना, तो खड़ा होते ही मान लो दूसरे ने देखा ना घर में फोर व्हीलर टू व्हीलर यही चलावे, तो मैं बच्चा भी भाई चलावे, तो फिर आप बलोगुनो वालो बलोगुनो वालो आपका पैसा कमाया छो बे चला छो, तो मैं कहा फायदो को नहीं माने, माने बेरो ही को नहीं कि भाई मेहनत का ही हुए आइया। और साइकिल भी अच्छी क्वालिटी में है। हाँ हाँ अब कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं, सबसे अच्छे परिवार से इनके एजुकेशन में सब बच्चे है ना लग रहे हैं, नौकरी गवर्नमेंट नौकरी में हमारे परिवार में इनका ही परिवार है सबसे ज्यादा, सही है, कम से कम 8-10 आदमी इनके परिवार के। चलो बढ़िया है, हमारे परिवार के तो ये बखरा ही काम करते सब। देखो जो मेहनत करेगा ना और जो जिस फील्ड में मेहनत करेगा दिल लगा के करेगा तो सक्सेस होगा। आपको जो शिक्षा कर लेता है ना पढ़ लेता ना वो गुरूर में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है। अच्छा आप डॉक्टर हो और आप डॉक्टर होने के बाद में गुरूर में आ जाए तो डॉक्टरी नहीं चलती है। गुरूर अब गुरूर का मतलब ऐसा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और जो कोई चंद मंद आदमी जो पढ़ लेते हैं ना वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि हम पढ़े लिखे, और पढ़ा लिखा जो आदमी होता है ना वो जो शिक्षित नहीं है आदमी उसको करीब लगा कर उसको सिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ जयपुर में एक जमेतल कुरेश है, वहाँ के जयपुर के जो लड़के आदमी जो पढ़े लिखे वो बड़ी बड़ी लंतरानी से बात करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ यार तुम पढ़े लिखे हो कोई मीटिंग तो ऐसी दो जो किसी को शिक्षा तो सिखाओ, कहाँ क्या बोलना, तुम अपने आप में वकील हो रहे अपने आप में पढ़े लिखे हो रहे, तो पढ़ा लिखा आदमी जो चंद आदमी वो गुरूर में होता वो एक आदमी से निचले से बात करना पसंद नहीं समझता, बैठना नहीं पसंद करता। देखिए ये पढ़े लिखे आप डॉक्टर हो आप ये काम कर रहे हो, डॉक्टर का कायदा होता एक मरीज आता उसको संतुष्ट करना पड़ता, वो भी करते तो 10 बजे बाद में लगेगा जाके नहीं वो मैं बात आपकी पूरी समझ गया, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो आपका कहना ये है कि अगर कोई शिक्षा अर्जित करके किसी फील्ड में जाता है तो उसका अपना ज्ञान उसको बांटना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए इस चीज का, है ना, ज्ञान अपने पास रखता है, वो कहता मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं डॉक्टर बन गया, हाँ, मेरी लड़की रिश्ते नहीं मिलते डॉक्टर साहब रिश्ते नहीं मिलते, मैं बताऊं खुले में ये एजुकेशन जो कराते हैं आप में भी ऐसा जो कोई लड़के को लड़की नहीं मिलती है किसी लड़की को लड़का नहीं मिलता है, देखो फिर ऐसा हो जाता वो कई बाजार वो कई बाजार। चलिए कहने का मतलब ये है सबसे इसके निचोड़िए घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को, सबसे मोटी बात ये अगर शिक्षित हो गया उसको कुछ ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान को लोगों के भले में वो लगाएगा, हम नहीं करना चाहिए मैं अहंकार नहीं होना चाहिए उस चीज। चलिए ये भी अच्छी बात होगी, देखो चर्चा करने से हमें पता लगता है लोग बाग क्या चाहते हैं, ऊपर से तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मन की जो बात है ना आप पर्सनली जाके मिलोगे तो पता लगेगा कि हमारे लोग क्या सोचते हैं। तो चलिए बढ़िया है। तो ये है सर सुबह सुबह का जीवन, कुछ श्वान यहाँ खेलते हुए
अब हम चलते हैं फतेहपुर रोड की तरफ। ये बकरा मंडी वाला जो था हमारा, अरे यार हार्डियर चैनल चाहिए आपका, 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेगा। ओके ओके बाय बाय भैया, जोश युवाओं का। तो अब हम चलते हैं मेन रोड की तरफ। ये देखिए विशाल मस्जिद और जो ये होता है अपने को लोगों से मिलने से उनके विचार पता लगते हैं। कई बार क्या है कि बाहरी रूप से भी लोग बाग जो है बड़े दुखी होते हैं यार, ऐसा वैसा सिस्टम और ये सब सारी चीज़ें, लेकिन जब आप उनसे डिटेलिंग में बात करते हो ना तब उनको पता लगता है कि यार हाँ, जो उनकी थिंकिंग जो होती है ना वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे से प्रभावित होके उसका आचरण हो जाता है। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए, अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने स्वयं के विचार बनाएं। देखो सुनो सबकी, करो मन की मेरे भाइयों। हेलो बेटा, क्या हाल है? अच्छा। क्या नाम है बेटा? अयान। अयान जा रहे हैं भाई सब मन्नत स्कूल में। और ये देखिए, हेलो। ये देखिए दुकान लग गई है भाई साहब कप सब्जी की। अल पास ये टैक्सियाँ और वैन्स जो है बच्चों के लिए आने लग गई हैं। चलते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। ये है हमारे सीकर शेखावाटी का, सो सालासर स्टैंड से बकरा मंडी वाला एरिया। तो चलते रहिए चलते रहिए, हम निकलेंगे फतेहपुर रोड की तरफ। ये देखिए ये इधर से आएगा फतेहपुर रोड, यही है इसहाक भाई, पपीता सप्लायर्स, तमर मेडिकल एंड क्लिनिक। ये देखिए आप, चलते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। यह शिक्षा का भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार सभी जगह हो रहा है। ये देखिए कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए सुबह सुबह, कुछ कन्याएं हैं, और ये इस्लामिया कॉलेज आ गया है यहाँ पे। हमारे केबल, चलते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। दुनिया अमीना मंजिल, चलते रहो बच्चे स्कूल जाते हुए। भाई जी तो बोल, जनता क्लिनिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। ये मैं क्या डॉक्टर बैठे गए, मैं सरकारी डॉक्टर बैठे गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है जी। जी क्या मैं डॉक्टर हूँ मैं भी। तो ये है सर सुबह की दुनिया सीकर शेखावाटी। और कॉलोनी का नाम तो नहीं पता, बट कुछ सज्जनों से बात हुई, उन्होंने बताया कि भैया आपका वीडियो जो है देखेंगे। और कुछ लोग जैसे ऊपरी ऊपर से वो बताते हैं कि यार ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग भाईचारे से रहते हैं यार, बहुत अच्छा हमारा जो है सीकर शेखावाटी का यह एरिया है। और लोग बाग बहुत मेहनती भी हैं, और देखिए किस प्रकार से वो कार्य जैसे करते हैं ना, जैसे मिलजुल के सभी जो है 2-2.5 हज़ार बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल भी चला रखी हैं। तो बड़े बड़े वहाँ से जो है निकल के बच्चे 85% तक परफॉर्मेंस उनका है। अब हम फतेहपुर रोड की तरफ निकलेंगे, ये भूमिका हॉस्पिटल और अरुण अग्रवाल हॉस्पिटल वाली जो गली है इसमें हम आ चुके हैं। तो बहुत ही गहराई तक अंदर तक जाके हमने इस एरिया का आज आपको विजिट करवाया है। और यह देखिए, और सब इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, अरुण अग्रवाल हॉस्पिटल, जीवन ज्योति। और आज मोहम्मद इस्माइल गोरी मंजिल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये बहुत फेमस गाना है बच्चों के अंदर। तो इस तरीके से जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए। चलो चलो बढ़िया यार, मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा, है ना। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ढाका साहब का मकान, ये ढाका साहब का, और ये बच्चा एक स्कूल जाते हैं। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, कौन से स्कूल में हो? वेरी गुड बेटा, कौन सी क्लास? 5th क्लास का बच्चा है ये। तो ये था एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव विजिट और बकरा मंडी सीकर वाला एरिया का।
और किस प्रकार से जो है वहाँ पे जो इनकी कमेटियाँ काम कर रही हैं वो हमने आपको दिखाया। और ये आ गई है फतेहपुर रोड। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो। ये सामने पासपोर्ट ऑफिस और कैसा लगा लोगों से हमारी चर्चा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसको शेयर भी करें और एक साइकिल ज़रूर खरीदें ताकि लोगों से आप जुड़ सकें। हैव माई डाइस डे माई डियर फ्रेंड्स, बाय।